हेलो एवरीवन, नेमत के किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है स्टफिंग वाला ड्राई कीमा। इसको बना लेने के बाद समोसा, पराठा, मोमोज या इटालियन रेसिपी रावियोली बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसे बनाना बहुत आसान है। मेरे इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें, स्टेप्स को फॉलो करें और अगर पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर करें और नए विजिटर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक कुकर में तेल को इन्फ्यूज कर लें खड़े गरम मसाले से और 3 बड़े साइज का चॉप अनियन डाल दें, साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दें। अब प्याज को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, हमें इसे गुलाबी नहीं करना। अब कुछ मसाले निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट लिया है जो कि हमें कीमे में डालना है। साथ ही कुछ ड्राई मसाला भी है, तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, 2 चुटकी जायफल पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर लिया है। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसे देख सकते हैं। तो ड्राई मसाला निकाल लेने के बाद एक नज़र प्याज को देखें। अब ये लगभग हमारे पसंद के मुताबिक ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें कीमा डालना है। मैंने 1/2 kg मटन कीमा लिया है। बस ध्यान ये रखना है कि ये ज़्यादा चर्बी वाला ना हो। अब सॉफ्ट प्याज में कीमा डाल दें। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कीमा को लगातार चलाते रहना है, उलट पलट करते रहना है, वरना ये जकड़ कर पूरा इकट्ठा हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका ये है कि इसमें 2-4 चम्मच पानी डाल दें। पानी डालने से भाप बनेगा तो कीमा जकड़ेगा नहीं, बिल्कुल खिला खिला और अलग अलग सा कीमा रहेगा। तो यहाँ पर मैं पानी डालूँगी और स्टीम बनने से आप देखेंगे कि कीमा बिल्कुल बुंदिया की तरह से खिला खिला हुआ है। तो कुछ देर तक स्टीम बन चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जकड़ा हुआ नहीं है, दानेदार कीमा बन रहा है। अब यहीं पर हम इसमें पिसा हुआ मसाला और जो पाउडर मसाला हमने इकट्ठा किया था वो डालने की बारी है। तो सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डालें, अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लें और थोड़ा सा इसे पकने दें ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहीं पर हमने जो पाउडर मसाला इकट्ठा किया था वो भी इसमें शामिल कर दें। ये कीमा भी मसाला कीमा की तरह ही तैयार किया जाएगा, बस इसमें मसाले नहीं होंगे, इसलिए टमाटर, टमाटो प्यूरी, किसी तरह का काजू वाली ग्रेवी, दही वगैरह इसमें नहीं शामिल करेंगे। अब इस कीमे के गलने के लिए हम यहाँ पर इसमें 1/2 कप पानी शामिल करेंगे और फुल फ्लेम पर इसे स्टीम आने तक प्रेशर कुक करेंगे। 2 सीटी आने के बाद कुकर को बंद कर देंगे, इतने में हमारा कीमा गल जाएगा। अब 2 सीटी आने के बाद हमने कुकर को खोल कर देखा है, कीमा तो गल चुका है पर अभी इसमें कुछ पानी दिख रहा है, तो हमें इसे धीरे धीरे सुखा लेना है। तो धीमी आंच पर इसे पकने दें ताकि ये पानी एवेपरेट हो जाए। पानी सूख जाने के बाद कीमा जब इस स्टेज पर पहुंच जाए तो आप इसमें 2 चुटकी गरम मसाला ऊपर से डाल दें, थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ कर डाल दें और ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल दें। ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। और मैंने आपके देखने के लिए कीमे को साइड में कर दिया है ताकि आप देख सकें कि इसमें कितना तेल इकट्ठा हुआ है। और ये जो ज़्यादा तेल है वो हमें कीमे में हरगिज़ शामिल नहीं करना होगा। हम इसे एक प्लेट पर इस तरह निकालेंगे कि ये तेल उसमें कीमे से अलग हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे छलनी पर निकाल लें और थोड़ी देर छलनी पर ही पड़ा रहने दें। इस तरह से जो ज़्यादा तेल होगा वो नीचे टपक जाएगा और आपका ड्राई कीमा अलग हो जाएगा। तो इन 2 तरीक़ों में से आपको जो आसान लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कीमा तैयार हो चुका है। अब आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी स्टफिंग करके कोई सा भी पकवान बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रश्ड चिल्ली और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अगर पसंद हो तो हरी प्याज भी बारीक कतर कर डाल सकते हैं। तो आप इसे बना कर देखें, खा कर देखें और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ बनाए रखें। थैंक यू।